दोस्तों नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम खबर स्टेशन में बात करेंगे राजनेताओं के विवादित बयानों पर। दोस्तों इस वक्त देश में मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता है उनके बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओछी टिप्पणी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को छोटी सोच का व्यक्ति और नीच व्यक्ति बताया है। गौरतलब है कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इस तरह के बयान वो अक्सर देते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने इस तरह की एक टिप्पणी 1998 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी कही थी। उन्होंने उनको नालायक कहा था। हालांकि जिस तरह इस बार उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें हिंदी शब्दों के बारे में डीफ जानकारी नहीं है, गूढ़ अर्थ उन्हें नहीं पता है। इसी तरह की शब्द वाली उन्होंने उस दौरान भी कही थी कि उन्हें हिंदी शब्दों के अर्थों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उन्होंने फिर से माफ़ी मांग ली। दोस्तों ये जो भाषा है, इस तरह की जो शब्दावली है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने की जो परंपरा है, ये पहली बार नहीं है, वर्तमान में नहीं है, इससे पहले यानी अगर देश की आज़ादी की के बाद की राजनीति की बात करें तब से ही ये परंपरा शुरू हो गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि अगर हम गायों को बचाने लगे तो दुनिया में सोचेगी कि हम भारत को 15वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं। इसी तरह की एक टिप्पणी 1984 में जो इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद राजीव गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, यानी सिखों की जो हत्याएं उस दौरान हो रही थी उन पर उनकी टिप्पणी थी, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा। अक्सर इस तरह की टिप्पणी राजनेताओं की ओर से की जाती हैं और फिर सफाई दी जाती हैं। 2014 के चुनाव में गिरिराज सिंह जो इस समय केंद्र में मंत्री है, उन्होंने कहा था कि लोग मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से हेल्प चाहते हैं, वो पाकिस्तान की ओर देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो इस तरह के लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, उनका कोई भी स्थान भारत में नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, पूर्व सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो अक्सर अपनी टिप्पणियों को लेकर जनता में चर्चा के विषय रहते हैं। उन्होंने कई बार ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा मचा, कांग्रेस ने अपना पल्ला उनसे झाड़ लिया। एक बार उन्होंने कहा था कि जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ उसमें हिंदू कट्टरपंथियों का हाथ हो सकता है, ऐसी सूचना उनके पास मिली है। इसके साथ ही उन्होंने एक महिला जो MP थी उसके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी कही थी, उनको 100% टंच माल बताया था। NCP के नेता शरद पवार ने भी एक बार कहा था कि गायों को काटने से देश को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें अगर हम जीवित रखेंगे तो वो जो बूढ़ी होकर देश पर भार बनेंगी, आफत बनेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी एक बार कहा था कि महंगाई के लिए गरीब जिम्मेदार है, गरीब की वजह से ही इस तरह की महंगाई बढ़ रही। पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी एक बार कहा था कि जो देश के लोग हैं उनकी मेमोरी बहुत वीक है, जिस तरह बोफोर्स घोटाला हुआ था और उसके कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद ही लोग इस घोटाले को भूल गए थे, उसी तरह कोयला घोटाले और दूसरे घोटालों को भी लोग भूल जाएंगे। कांग्रेस के एक नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी रात भर नहीं सो पाई थी, वो रोती रही थी। हालांकि बाद में वो उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी, लेकिन इस तरह के बयान अक्सर इस तरह के नेता देते रहते हैं। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि जो महंगाई है उसकी वजह यह है कि लोग दो दो सब्जियाँ साथ खाते हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जिस पर काफ़ी हंगामा मचा। उन्होंने एक बार कहा था कि करगिल की लड़ाई में जो जीत भारत को मिली है वो हिंदू सैनिकों की वजह से नहीं बल्कि मुस्लिम सैनिकों की वजह से मिली है। दोस्तों 2014 के चुनाव में भी कई बड़े नेताओं ने अपने अपने बयानों को लेकर सुर्खियाँ बटोली। नितिन गडकरी जो इस वक्त केंद्र में सड़क और परिवहन मंत्री है, उन्होंने एक बार कहा था कि लोगों को पैसा ले लेना चाहिए, जो उस दे उससे पैसा ले, क्योंकि लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन BJP को ही वोट दे, पैसा किसी का भी ले लेकिन वोट BJP को दो। इसके साथ ही सुब्रमण्य स्वामी जो BJP के नेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि रावण का DNA दलित था और वो लंका का रहने वाला नहीं था बल्कि UP के नोएडा के बिशरक गाँव का रहने वाला था। इस पर भी काफ़ी हंगामा मचा था उस समय। दोस्तों ये तो वो टिप्पणी थी जो नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की थी या जातिवादी सोच के तहत की थी। दोस्तों समाज का बड़ा वर्ग है महिला, महिलाओं को लेकर हमारे नेता किस तरह से सोचते हैं, किस तरह की सोच उनकी है, ये भी विवाद का विषय कई बार रहा है। अक्सर नेता महिलाओं को लेकर अपनी कुंठा जाहिर करते रहे हैं। महिलाओं को दिए गए बयान को लेकर अक्सर समाजवादी पार्टी के कई नेता चर्चा में रहे हैं। समाजवादी सुप्रीमो खुद मुलायम सिंह यादव कई बार इस तरह के बयान देते हैं जिससे लगता है कि उनकी सोच महिलाओं के प्रति कितनी उज्ज्वल है। पिछले दिनों एक गैंगरेप के बाद मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया था कि महिला और पुरुष जब साथ साथ रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है तो महिला कह देती है कि उनके साथ रेप हुआ है। लड़कों को फांसी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा था कि
इस उम्र में यानी नौजवानी की उम्र में लड़कों से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दोस्तों सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी के भी कई बड़े नेता अक्सर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हुए देखे गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस समय जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर महिलाएं अपनी मर्यादा पार करेंगी तो उसको उनका दंड मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीताहरण हो जाता है। यानी समझे कि ये लोग कहते हैं कि अगर महिला बाहर निकलती है, सीमा लांघ जाती है, घर से बाहर जाती है तो उसको सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष नेता या जननेता ही इस तरह की बयानबाजी करते हों या फिर बयान देते हों। कई बार देखने में आया कि महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ बयान देती रहे। पिछले दिनों जो चंडीगढ़ में रेप हुआ था उसके बाद वहाँ की एमपी किरण खेर ने कहा था कि अगर किसी लड़की को पता है कि ऑटो में पहले से ही तीन व्यक्ति बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, तो उसको उस ऑटो में बैठना नहीं चाहिए। यानी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, यौन शोषण के लिए महिला ही जिम्मेदार है। इसी तरह का एक बयान छत्तीसगढ़ महिला आयोग की जो अध्यक्षता है विभा राय ने भी पिछले दिनों दिया था। उनका कहना था कि महिलाओं के कपड़े और उनके पोशाक ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो पुरुषों को एक्साइट करें, यानी गलत संदेश दें। यानी महिला ही किस तरह से महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। दोस्तों खबर स्टेशन में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे इसी तरह के किसी बड़े सामाजिक मुद्दे के साथ। नमस्कार।